रोजाना ज्ञानवर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है। पूर्णिमा तिथि को बेहद ही शुभ माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 16 मई को वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु के 9वें अवतार भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा या फिर बुद्ध जयंती के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं व्यक्ति की पूरी हो जाती हैं। इसके साथ ही इस दिन स्नान दान का भी बहुत अधिक महत्व होता है। यदि आप इस दिन का लाभ उठाना चाहती हैं तो इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इसी के साथ इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। नहाने के बाद घर के मंदिर में दीपक आप ज़रूर जलाएं। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। पूर्णिमा के पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। इस दिन विष्णु भगवान के साथ मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी अवश्य करें। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को भी आप अवश्य शामिल करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आरती ज़रूर करें। दोस्तों बता दें कि इस पावन दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का अधिक से अधिक आप ध्यान सिमरन अवश्य करें। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना करने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा आप अवश्य करें। चंद्रमा को अर्घ देने से दोषों से मुक्ति मिलती है। इस दिन ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी आप ज़रूर करें। अगर आपके घर के आसपास गाय है तो गाय को भोजन आप ज़रूर कराएं। गाय को भोजन कराने से कई तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 15 मई दोपहर 12:45 से हो रहा है और पूर्णिमा तिथि समाप्त 16 मई सुबह 9:43 पर समाप्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार 227 सालों के बाद इस दिन ग्रह नक्षत्रों की ऐसी चाल बनी है जिसमें कि ऐसा संयोग बना है कि इसी दिन चंद्र ग्रहण का महासंयोग भी बन रहा है। साथ ही साथ इस दिन सोमवार का दिन भी पड़ रहा है। दोस्तों सोमवार जैसा कि आप जानते हैं भगवान भोलेनाथ जी का दिन होता है। इसी के साथ इस तिथि पर साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। ऐसे में दोस्तों यह सारही संयोग एक बड़ा महासंयोग बना रही है जो कि कुछ राशि वालों की किस्मत अब बदल कर रख सकता है। तो आखिर यह राशियां कौन सी हैं, इन्हें इस दौरान क्या लाभ अपने जीवन में देखने को मिलेगा, आज इस वीडियो में हम आपको उसी के बारे में जानकारी देंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां लक्ष्मी नारायण ज़रूर लिख दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि इन राशि के लोगों के लिए यह सितारों की स्थिति
बहुत ज़्यादा खुशी लाने वाली है। बता दें कि इस दौरान आपके मन में किसी भी प्रकार की अशांति अगर घेरी हुई थी तो वह अब तुरंत ही दूर हो जाएगी। शारीरिक परेशानी से भी आपको इस दौरान छुटकारा मिलेगा। खास करके धन संपदा का आपके घर में अब आगमन होगा। दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ परिश्रम करने, प्रयास करने की किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़नी है। चाहे आप व्यापारी हों या चाहे आप नौकरी पेशा हों, आपको अपने जीवन में इस समय में सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। अगर कोई कर्जा आपके सिर पर चढ़ा हुआ है तो वह भी उतरने का अब समय आ चुका है। बता दें कि अगर आपने किसी को कर्जा दिया हुआ है या फिर आपका पैसा कहीं पर अटका हुआ है तो वह अब जल्द ही वापस ज़रूर आएगा। दोस्तों, बता दें कि अगर कोई नई योजना आप बना रही हो तो उसके लिए सलाह मशवरा आप इस दौरान ज़रूर करें। किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति से आपको विचार विमर्श करना चाहिए। घर परिवार को अगर आप समय देंगे तो आपको उनसे भी बहुत अच्छी सलाह मिल सकती है और ये नई योजना, ये नया आइडिया आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण भी बन सकती है। दोस्तों, बता दें कि इस दौरान आपके अधूरे कार्य अवश्य पूरे होंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में मान सम्मान अब मिलने वाला है। आपके परिश्रम का अब रिजल्ट आने वाला है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इस महासंयोग से इन राशि वालों पर विशेष कृपा भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ की भी अवश्य पड़ने वाली है। जी हां, जिससे कि अब इन राशि वालों के लोगों का अच्छा समय शुरू होने वाला है। अपने मित्रों से सहयोग आपको इस दौरान मिल सकता है। यात्रा के भी योग आपके बनते दिख रहे हैं। अचानक धन लाभ भी आपको इस दौरान संभव है। किसी बाहरी व्यक्ति से इस दौरान आप वाद विवाद करने से बचें, क्योंकि ये आपकी सफलता में रुकावट डाल सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर आप विशेष कंट्रोल रखें। नौकरी पेशे वाले व्यक्ति की इस दौरान पदोन्नति संभव है। व्यापारियों के लिए भी समय उत्तम है। धन लाभ के योग बने हुए हैं। प्रेम संबंधों में इस दौरान मधुरता अवश्य आएगी। पत्नी का आपको सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर इस महासंयोग से आपकी सारी इच्छाओं की अब पूर्ति होने वाली है और धन का जो आज तक आपके जीवन में अभाव चल रहा था, कमी चल रही थी, वह आर्थिक परेशानी जो आपके जीवन में अभी तक चल रही थी वह अब ख़त्म होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए आपको हम बता देते हैं कि आखिर वह खुश नसीब राशियाँ कौन सी हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रही हैं। तो आपको बता दें कि यह राशियाँ हैं तुला राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि, मेष राशि, धनु राशि और मकर राशि। जी हाँ दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां लक्ष्मी ज़रूर लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।